हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर ट्रायंगल करने वाले हैं। इसकी 7.1 एक्सरसाइज तो आपको समझ आई गई होगी। आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट। सबसे पहले हमें दे रखा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी हमें इक्वल दे रखी हैं। द बायसेक्टर्स ऑफ एंगल बी, बी का बायसेक्टर यानी कि जब ये बी का बायसेक्टर है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, इसको 1 और 2 मान लेते हैं इजी करने के लिए। और सी के बायसेक्टर्स, इसको 2 2 कर लेते हैं, पता चल जाएगा हमारा 3 और 4, ये दोनों इक्वल हो गए। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन करना है, कर दिया। शो दैट, शो करना है ओ बी और ओ सी इक्वल होंगे, हमें इसको इक्वल प्रूफ करना है। लिखते हैं, सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, गिवन। सबसे पहले हमें ए बी और ए सी इक्वल गिवन है, नोट डाउन कर लेते हैं हम। और एंगल बी एंड एंगल सी बायसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट ओ, दैट इज, इसका मतलब क्या दिया हुआ है हमें, 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है। ये बायसेक्टर है, दैट मीन ये दोनों एंगल्स इक्वल। ये बायसेक्टर है सीओ, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल, तो नोट डाउन कर लिया हमने। अब नेक्स्ट है टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, हमने दो पार्ट्स हैं इसके, ओ बी को ओ सी के इक्वल, और सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, ए ओ बायसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यानी कि ये तीन, ये वाले एंगल्स हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। एओ बायसेक्ट एंगल ए, दैट इज एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले जो हमें दिया होता है उसी से हमारा आंसर निकलना है। तो हमें ये दोनों दे रखी हैं साइड्स इक्वल इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी दे रखी है हमें ए सी के इक्वल। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो ये पूरे पूरे एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। ए बी के अपोजिट एंगल हो गया सी, ए सी के अपोजिट हो गया एंगल बी, तो एंगल सी और एंगल बी इक्वल है। रीजन दे देंगे, पहले ए बी और ए सी गिवन था हमें, वो रीजन दे दिया। फिर एंगल क्यों इक्वल है उसका रीजन देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इक्वल साइड्स कौन सी, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी के अपोजिट एंगल्स हैं। अब सी और बी पूरे पूरे इक्वल है, मैं बोल सकती हूँ हाफ ऑफ सी हाफ ऑफ बी के इक्वल होगा। जब ये दोनों इक्वल है तो इसका आधा एंगल ये हो गया 2, और ये दोनों इक्वल है तो हाफ एंगल हो गया 3। तो मैं लिख सकती हूँ सी का हाफ हो गया 3, बी का हाफ हो गया 2, ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये छोटे से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ बी सी में 2 और 3 इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो रीजन दे देंगे कौन सी साइड्स हो गई, ओबी 3 के अपोजिट हो गई ओबी, 2 के अपोजिट हो गई ओसी। रीजन दे देंगे, पहले एंगल्स इक्वल थे, अब साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। और ये हमने यूज किया है कौन से ट्रायंगल में, ओबीसी में। तो फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूव हो गया, मैं लिख दूंगी यहां पे फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूव्ड। अब हम सेकंड पार्ट के लिए दो ट्रायंगल्स ले लेंगे, ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओसी। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें एओ इक्वल टू एओ कॉमन है साइड, और हमें ए बी और ए सी तो दे ही रखी थी इक्वल। तीसरी चीज हमारे पास क्या हो गई, ओ बी और ओ सी जो हमने अभी प्रूफ किया है, प्रूव्ड अबव। तो बस दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। रीजन हो गया एस 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 बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। अब मेरे दोनों ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो
तो मैं सीपीसीटी में बोल सकती हूँ कि मेरा एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हो जाता है। यहाँ पे रीजन दे देते हैं सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। अब 5 और 6 ही हमें इक्वल करना था, दैट इज इसका मतलब हो गया AO bisects एंगल A। सेकेंड पार्ट भी मेरा प्रूव्ड हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ट्रायंगल ABC, तो हमने ट्रायंगल ABC बना लिया। AD इज परपेंडिकुलर बायसेक्टर, AD परपेंडिकुलर भी है यानी कि 90 का भी है एंगल्स बन रहे हैं, और बायसेक्टर भी है BC का, BC का बायसेक्टर भी है AD, यानी कि ये सामने वाली साइड को बायसेक्टर का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में कट करना। तो AD परपेंडिकुलर भी है और BC को बायसेक्ट भी कर रहा है, यानी कि दोनों पार्ट्स BD और DC इक्वल हो गए। तो साथ साथ लिखते जाते हैं गिवन में जो हमें दिया, एक तो हमें ये दे रखा है इसको नाम नंबर ले लेते हैं, इजी हो जाता है कि एंगल 1 और 2 90 डिग्री ईच परपेंडिकुलर की वजह से और बायसेक्टर की वजह से हमें BD इक्वल टू DC। और क्या दे रखा है, और तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल ABC को आइसोसेलेस प्रूफ करना है। और आइसोसेलेस में भी कौन सी दो साइड्स करनी है ये भी दे रखी है, AB और AC को इक्वल प्रूफ करना है, इन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। अब कई बार मैं देखती हूँ बच्चे गलती कर जाते हैं कि ABC को आइसोसेलेस मान लेते हैं कि हाँ भाई आइसोसेलेस है, शो करना है। और लास्ट टाइम भी मैंने देखा किसी बच्चे ने ये गलती की थी, AB और AC बोला कि गिवन दे रखा है, जबकि ऐसा नहीं है, लाइन पूरी साथ है कि ट्रायंगल ABC को आइसोसेलेस करना है जिसमें AB और AC को आपको इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं AB और AC को इक्वल प्रूफ करना है। इससे प्रूफ सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें पता है कि दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तो सीपीसीटी में हम इसे कर सकते हैं। देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है, एक 90 का एंगल तो दे ही रखा है, एक ये साइड दे रखी है, ये हमारी कॉमन हो जाती है। तो मुझे एस ए एस से मैं इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकती हूँ दोनों ट्रायंगल्स को। अब बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, RHS क्यों नहीं लगा। अगर राइट एंड एंगल मतलब राइट एंगल हमें दे रखा होता है तो उसके साथ हमारी प्रॉपर्टी होती है RHS में राइट एंगल हो, एक हाइपोटेन्यूज हो। अब इसमें हाइपोटेन्यूज तो दे नहीं रखा है तो इक्वल प्रूफ करना है, और एक साइड साइड तो बन रही है लेकिन हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं बन रहा, वो हमें प्रूफ करना है। दैट मीन्स मैं RHS नहीं लगा सकती, तो फिर मैं क्या लगा सकती हूँ, साइड एंगल साइड। तो ऐसे ऐसे मैं करने वाली हूँ प्रूफ। स्टार्ट करते हैं लिखने का तरीका, इन ट्रायंगल ADB एंड ADC इस वाले ट्रायंगल में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, 90 डिग्री ईच गिवन है मुझे। सेकंड मेरे को BD DC के इक्वल गिवन है, ये भी गिवन रीजन हो गया। और AD इक्वल टू AD कॉमन। बस हम फटाफट से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। रीजन सबका देना है, रीजन नहीं दिया तो मार्क्स कट जाते हैं हमारे। और यहां पर दे देंगे क्या रीजन है, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी में मैं बोल सकती हूँ AB और AC इक्वल है। अब AB और AC इक्वल हो गए तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें हमें दे रखा है ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एल्टीट्यूड्स BE और CF ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB, यानी कि यहाँ नीचे दे रखा है कि इक्वल है साइड्स AC और AB। पहले बना लेते हैं ट्रायंगल ABC, इसमें मुझे इक्वल साइड्स दे रखी हैं AC और AB। लिख लेते हैं सबसे पहले गिवन में
इन ट्रायंगल एबीसी एबी इज इक्वल टू एसी, और एल्टीट्यूड्स बना रखे हैं इसमें बीई और सीएफ। एल्टीट्यूड्स है तो हमारे एंगल भी इक्वल हो गए 90 ईच। इसके नंबर रख देते हैं हम, ज्यादा इजी हो जाता है। 1 और 2 इक्वल हो गए 90 डिग्री के। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब हमें इन एल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूफ करना है। ये एल्टीट्यूड्स यानी कि बीई और सीएफ को मुझे इक्वल प्रूफ करना है। टू प्रूफ मैं लिखूंगी बीई इक्वल टू सीएफ। तो मुझे पता चल रहा है जब मुझे इन एल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूफ करना है तो जिस ट्रायंगल में ये आ रहे हैं क्यों ना मैं उनको कॉन्ग्रुएंट करूं। तो ये जो ये वाला है एल्टीट्यूड बी वो मेरा आ रहा है बी ई सी ट्रायंगल में, और जो ये वाला एल्टीट्यूड है मेरा वो बी सी एफ ट्रायंगल में आ रहा है। तो बेसिकली मुझे ये दो ट्रायंगल्स को लेना है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। किस लिए ले रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये एल्टीट्यूड्स इक्वल प्रूफ करने हैं। तो मैंने यही दो ट्रायंगल्स को ले लिया। इन ट्रायंगल बी सी एफ एंड, अब पहले मैंने बी सी लिखा है, अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूं सी बी ई। ये बिल्कुल ऐसे लिखना है कि जैसे बी सी साइड है, इसके साथ मैंने एफ लिया है परपेंडिकुलर यहां पे, तो मुझे वहां ई ही लेना है सी बी के साथ। अब स्टार्ट करते हैं। मुझे दिख रहा है कि बी सी जो साइड है वह कॉमन है, दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। यानी कि मैंने ये ट्रायंगल लिया इसमें भी है और ये है इसमें भी, बीसी साइड कॉमन है। तो बीसी इज इक्वल टू, यहां से बीसी तो यहां सीबी इसका नाम होगा कॉमन। एक मुझे एंगल्स दे रखे थे 1 इक्वल टू 2 90 डिग्री ईच क्योंकि एल्टीट्यूड्स हैं। और मुझे क्या दे रखा है, हाँ मुझे ए बी और ए सी इक्वल दे रखे हैं। तो मैं ए बी से, मुझे पता है कि अगर एक ट्रायंगल आइसोसेलस हो उसमें दो साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो पूरा एंगल बी पूरे एंगल सी के इक्वल होगा। तो जब मैंने बी सी एफ ट्रायंगल लिया है, बी सी एफ, इस ट्रायंगल में मेरा पूरा एंगल बी और इस ट्रायंगल में मेरा एंगल सी के इक्वल, तो यहां रीजन वही दे दूंगी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अब तीन चीजें हो गई मेरे पास, एक साइड हो गई, ये दो एंगल हो गए। अब ये दोनों एंगल मेरे इस साइड पे तो नहीं है जो मेरी साइड इक्वल है, तो मैं क्या रीजन दूंगी, ए ए एस ए ए एस। अब मैं बताती हूँ कि मैंने बाकी दो रीजन क्यों नहीं यूज किए। राइट एंगल के साथ मेरे पास हाइपरटेन्यूज है लेकिन दूसरी साइड नहीं है, तो मैं आर एच एस नहीं लगा सकती और ए एस से भी नहीं लगा सकती क्योंकि दोनों जो एंगल्स है मेरे उस साइड पे नहीं है जो साइड मेरी इक्वल है। ये पूरी तो इक्वल है लेकिन इतनी ही दे रखी, तो ए ए एस ये रीजन मैं दूंगी। ट्रायंगल बी सी एफ ट्रायंगल सी बी ई के कॉन्ग्रुएंट हो गया, रीजन ए ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब हमें जो प्रूफ करना था कि हाँ जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी में हमारी ये जो साइड हो गई जो कि एल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल हो गई। बीसीएफ में पढ़ रहा है, बीसीएफ में सीएफ इक्वल हो गया बीई के सीपीसीटी। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर की तरफ। क्वेश्चन फोर में ट्रायंगल एबीसी दे रखा है हमें, ड्रॉ कर लिया हमने। एबीसी में एल्टीट्यूड्स बीई, इसमें भी एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं बीई और सीएफ, टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल। अब की बार हमें दे रखा है एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एल्टीट्यूड्स बीई और सीएफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल, एल्टीट्यूड्स इक्वल दे रखे हैं। तो मैंने लिख लिया गिवन में
बीई इक्वल टू सी एफ. शो दैट ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई ये ऊपर वाला ट्रायंगल करना है इस बार हमने, ए सी एफ के, ए सी एफ के ये वाले ट्रायंगल के. पहले हमने नीचे वाले ट्रायंगल्स करे थे, अब ऊपर वाले ट्रायंगल्स को मुझे इक्वल करना है. तो फर्स्ट पार्ट में मुझे प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल ए सी एफ के, और सेकंड पार्ट में मुझे प्रूफ करना है ए बी और ए सी को इक्वल, यानी कि पूरी पूरी साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है. दैट इज यानी कि ए बी सी को मुझे आइसोसेलेस प्रूफ करना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखेंगे दिया क्या हुआ है. ये दो एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं, इक्वल हैं, यानी कि एक साइड तो इक्वल हो गई दूसरे ट्रायंगल की दूसरी साइड के, एक 90 का एंगल हो गया हमारा. और क्या दे रखा है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड नहीं है, तो इक्वल प्रूफ करनी है. हम सबसे पहले ट्रायंगल्स को लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ में. देखते हैं अब क्या क्या दे रखे हैं हमें. ए बी ई, इसमें मेरे को बी ई दे रखा है, वही गिवन से शुरू करेंगे. बी ई सी एफ के इक्वल, रीजन दे दिया गिवन. एंगल ले लेंगे हम, बी ई ले लिया हमने सी एफ के इक्वल, ये गिवन था हमें. एंगल वन और एंगल टू ले लिए इक्वल, दोनों ही 90 डिग्री ईच है. ये ले लिया इस ट्रायंगल में एंगल वन 90 का, और इस ट्रायंगल में मैंने एंगल टू ले लिया. ठीक है, और हमने एंगल ए देख लिया, दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है मेरा ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में भी आ रहा है एंगल ए कॉमन, और इस ट्रायंगल में भी एंगल ए कॉमन है. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन. दो एंगल्स हो गए और एक मेरी साइड हो गई, लेकिन उसी साइड पे दोनों एंगल्स नहीं है, तो ए ए एस मैं रीजन दूंगी इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का, बाय ए ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल. अब मेरे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसको दे दिया, मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं. सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, मुझे ए बी और ए सी को इक्वल करना है. जब मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही हो गए, तो सीपीसीटी में मेरी दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं. तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ही लिख सकते हैं, ए बी इक्वल है ए सी के सीपीसीटी, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है. दैट इज ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो सिंपल, हैंस प्रूव्ड. अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ. अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है ट्रायंगल एबीसी और बीडीसी. बीडीसी ये दोनों ही हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस बीसी. ये दोनों आइसोसेलेस है, यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल है. यहां पर बी डी और डी सी इक्वल है और सेम बेस है दोनों ट्रायंगल्स का. तो गिवन में फटाफट से लिख लेते हैं ये पॉइंट्स हमारे, कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी ए सी के इक्वल है, एंड इन ट्रायंगल बी डी सी बी डी सी में क्या है, बी डी और डी सी इक्वल है. ये दो चीजें हमें गिवन हो गई. टू प्रूव, प्रूव में हमें एंगल करना है एंगल ए बी डी, ए बी डी यानी कि ये पूरा ट्रायंगल, इसमें एंगल जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये इक्वल होगा इस पूरे एंगल के. तो लिख लेते हैं एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल ए सी डी के, ये प्रूव करना है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने ये ट्रायंगल ले लिया,
ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी मुझे दे रखा है ये दोनों साइड्स इक्वल है, ए बी इक्वल है एसी के, गिवन ये और ये इसके इक्वल गिवन है, बीडीडीसी के इक्वल गिवन है। अब मुझे पता है अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये ले लेती हूँ कि ए बी और ए सी इक्वल था, तो यहाँ पे वन और टू डाल देती हूँ कि एंगल वन इक्वल हो गया मेरा एंगल टू के। ये अभी बाद में लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले मैंने दोबारा से बता देती हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी लिया, ए बी और ए सी इक्वल थी, गिवन लिख लिया। अब ए बी और ए सी इक्वल है तो अपोजिट एंगल इनके वन और टू इक्वल हो गए, रीजन दे दिया एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, इसको नंबर वन दे देते हैं। और अब मैंने ले लिया दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी में मुझे बीडी और डीसी इक्वल दे रखे है, वही गिवन है। सेम रूल यहां पे भी मैंने अप्लाई किया, इसको नंबर थ्री और फोर दे दिया। बीडी और डीसी इक्वल है तो एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल होगा, सेम रूल एंगल ऑपोजिट, या तो सिमिलरली लिख सकते हो या फिर पूरा लिखना पड़ेगा आपको, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इसको नंबर टू ले लिया। अब मैं नंबर वन को देख रही हूं और नंबर टू को, फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू से मेरे को क्या पता चल रहा है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों मैंने ऐड कर लेती हूँ इनको, एडिंग फ्रॉम की जगह लिख देते हैं एडिंग, एडिंग वन एंड टू, वन में मैंने थ्री प्लस कर लिया, टू में मैंने फोर प्लस कर लिया। यहां पे भी लिख सकते हैं एडिंग वन एंड टू और रीजन में भी लिख सकते हैं। तो वन प्लस थ्री बन गया मेरा एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, जो मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। सिक्स क्वेश्चन में हमें दे रखा है ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर हमें गिवन है क्वेश्चन में, ट्रायंगल ए बी सी ए बी सी, ए बी सी में ए बी और ए सी मेरी इक्वल है और बी ए इज प्रोड्यूस, बी ए को बढ़ाया गया है डी तक, सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, ये दोनों भी इक्वल है। तो बेसिकली ये तीनों इक्वल हो गई, जब ये इसके है तो आपस में तीनों इक्वल हो गई। शो करना है बी सी डी को राइट एंगल, बी सी डी को राइट एंगल, यानी कि इसको राइट एंगल गिवन नहीं है, प्रूफ करना है, ये बनाना है हमने। चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन में हमें ए बी और ए सी गिवन है इक्वल, ए डी और ए बी इक्वल है गिवन, और टू प्रूव, प्रूव में करना है हमें डी सी बी 90 डिग्री का करना है राइट एंगल। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, जो गिवन है उसी से हमारा निकलता है आंसर। तो सबसे पहले मुझे ये दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है और साइड्स गिवन है इक्वल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल है ए सी के गिवन, तो हमें पता है अगर दो साइड्स गिवन है इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मैं इसको मान लेती हूँ वन, इसको टू, थोड़ा ईजी हो जाता है। तो एंगल वन इक्वल है टू के, वही रीजन एंगल ऑपोजिट्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, इक्वल साइड्स हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, तो वन और टू इक्वल लिख दिए मैंने। अब इसको नंबर वन दे देती हूँ, और इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है, इन ट्रायंगल ए सी डी
AD इक्वल है AC के। अब मैं यहाँ रीजन दूंगी कि मुझे तो AD AB के इक्वल दे रखी थी। AD AB के है और AB AC के है, तो तीनों ही आपस में इक्वल हो गई, तो मैं AD को AC के इक्वल लिख सकती हूँ। ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए इस ट्रायंगल में। इसको नंबर दे देती हूँ मैं 3 एंड 4। सेम रीजन दूंगी, एंगल ऑपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इसको नंबर 2 दे देते हैं। अब 1 और 2 को मैं ऐड कर देती हूँ, या सीधा भी मैं लिख सकती हूँ कि मुझे पता है ये जब पूरा बड़ा ट्रायंगल है BDC, अगर मैं इसको देखती हूँ तो एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, 4, यानी कि एंगल ये जो तीनों एंगल्स हैं, ये पूरा और ये पूरा बड़े ट्रायंगल को मैं लेती हूँ, तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है। तो मैंने लिख लिया इन ट्रायंगल BDC एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस 4, ये क्योंकि ये पूरा बन रहा है, ये हो गया 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, जब ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम, तीनों एंगल्स का सम पूरे पूरे 180 होता है तो उसे बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। हमने इसको यहाँ यूज किया। अब मुझे मालूम है कि 1 और 2 मेरा इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, तो मैं 1 की जगह भी 2 लिख सकती हूँ, और 3 और 4 मेरा इक्वल है तो मैंने 3 की जगह भी 4 लिख दिया। यहाँ रीजन दे दूंगी मैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को देख सकते हैं हम कि इक्वल दे रखे हैं, तो हम उसकी जगह पे पुट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, 1 और 2 इक्वल थे, तो 1 की जगह मैंने 2 लिख दिया, 3 और 4 इक्वल थे तो मैंने 3 की जगह 4 लिख दिया, तो ट्वाइस ऑफ 2 हो गया और ट्वाइस ऑफ 4 180 डिग्री। ट्वाइस मैंने कॉमन निकाल लिया, 2 प्लस एंगल 4 मेरा हो गया 180 डिग्री। खाली 2 प्लस 4 निकालना है, 2 यहाँ जाके डिवाइड हो गया क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ गया 90, यानी कि 2 प्लस 4 दैट इज एंगल C मेरा 90 डिग्री का प्रूव हो गया। तो मेरे को यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। अब हमें 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल ABC बना लिया और उसमें मुझे दे रखा है एंगल A 90 का है, तो A को मैंने 90 डिग्री लिख लिया। एंड AB इक्वल टू AC, AB और AC मुझे इक्वल दे रखे हैं, और मुझे B और C निकालना है, ये दोनों एंगल्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं, गिवन में हम लिखेंगे एंगल A मुझे 90 गिवन है, AB और AC इक्वल गिवन है। अब टू फाइंड आउट क्या करना है, एंगल B एंड एंगल C फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन, प्रूफ तो कुछ करना नहीं है, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बी और सी को फाइंड करना है। अब मुझे मालूम है जो गिवन होता है उसी से मेरा आंसर निकलेगा, मुझे दोनों साइड्स इक्वल गिवन है, अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं इस ट्रायंगल में तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सबसे पहले हम उसी रूल का इस्तेमाल करेंगे, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल है AC के गिवन, तो मेरा एंगल AB के अपोजिट हो गई, AB साइड के अपोजिट हो गया एंगल C, इक्वल होगा एंगल B के। वही रीजन जो अब तक हम यूज करके आए हैं क्वेश्चंस में, लास्ट भी एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अब मेरे दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है। अब मुझे पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों 180 होगा इसका सम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब मुझे इसमें से एक एंगल A दे रखा है 90, मैंने पुट कर दी यहां वैल्यू, B और C इक्वल दे रखे हैं मुझे,
मैंने बी की जगह बी रहने दिया और सी की जगह भी बी रख दिया क्योंकि बी और सी इक्वल है। अभी मैंने प्रूफ किया है। अब इसको नंबर भी दे सकते थे यहाँ पे, फ्रॉम वन ऐसे भी लिख सकते थे, फ्रॉम वन। ठीक है, तो 90 डिग्री और दो बी हो गए, ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ बी निकालना है, 180 माइनस 90 डिग्री यानी कि 90। ट्वाइस ऑफ बी 90 है, खाली बी निकालना है, तो 90 बाय टू 45 डिग्री। अब बी हो गया मेरा 45, बी और सी दोनों इक्वल थे तो दोनों ही 45 हो गए क्योंकि बी और सी दोनों इक्वल है, तो 45 डिग्री ईच। तो मेरा आंसर निकल आया, यही फाइंड आउट करने थे दोनों एंगल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे दे रखा है कि मुझे एंगल्स शो करने हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के 60 डिग्री ईच है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें सारी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। तो मैंने एक ट्रायंगल एबीसी बना लिया, सारी साइड्स इक्वल, तो गिवन ट्रायंगल एबीसी इन विच ए बी इक्वल बी सी इक्वल टू ए बी बी सी और ए सी, तीनों साइड्स इक्वल हैं। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है कि एंगल ए बी और सी तीनों इक्वल हैं 60 डिग्री के। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। अभी हमने यही किया था सेवन्थ क्वेश्चन में भी कि अगर दो साइड्स भी इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अब तीनों ही साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे ए बी और ए सी इक्वल है तो अपोजिट एंगल ये इक्वल हो गए। अब ये दो साइड्स ले ली तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो बेसिकली तीनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। तो अगर मैंने एक को एक्स लेट किया तो तीनों एक्स हो गए। स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल है ए सी के, गिवन ए बी इक्वल है ए सी के, तो बी और सी इक्वल होंगे, एंगल बी और सी इक्वल होंगे। वही रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। नंबर वन दे दिया। सिमिलरली लिख देते हैं, सारे रीजन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जैसे हमारा बी और सी इक्वल हुआ ऐसे हमने ए और सी को भी कर लिया, सिमिलरली ए और सी भी इक्वल। इसको नंबर टू, तो फ्रॉम वन एंड टू ए बी और सी तीनों इक्वल है, इनको एक्स लेट कर लिया। अब हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी कि ए बी सी तीनों को प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 3x 180 डिग्री और x निकालना है तो 180 बाय 3 यानी कि 60 डिग्री ईच। तो तीनों ही एंगल्स मेरे जो मैंने a लेट करे x लेट किया था तीनों को वो 60 डिग्री ईच आ जाता है। तो हैंस हमारा प्रूव्ड हो गया।